बरेली के हार्टमैन कॉलेज में फीस जमा न होने पर बच्चों को बंधक बनाए जाने के मामले में शिकायत के बाद इज्जतनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मंगलवार को हुई FIR में हार्टमैन कॉलेज की शिक्षिका समेत दो को नामजद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाधेपुर निवासी नरेंद्र राणा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनके 3 बच्चे हार्टमैन कॉलेज में पढ़ते हैं। 7 मई को उसकी पत्नी बच्चों को छुट्टी होने पर लेने गई तो वह रोते हुए बाहर आए। पूछने पर बच्चों ने बताया कि उनका पेपर था, लेकिन शालिनी जौहरी मैडम ने परीक्षा के दौरान उनसे कॉपी छीनकर उन्हें छत पर बने स्टोर रूम में बंद कर दिया। उस स्टोर रूम में करीब 33 बच्चे बंद थे, जिन्हें 2 घंटे तक बंद रखा गया, जिससे उसकी बेटी सहित कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई और बच्चे मानसिक रूप से सदमे में आ गए थे। आरोपी की बहुत से अभिभावकों के विरोध के बाद उसी दिन सुबह 10:30 बजे पेपर दिलाया गया। वहीं जब उनकी पत्नी शिकायत करने स्कूल गई तो ज्वेल मैसी उग्र हो गए और उन्हें स्कूल में बंद कर ताला लगा दिया, जिसके बाद पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांगी गई, तब जाकर उन्हें मुक्त कराया गया। इस मामले में SSP को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके SSP के निर्देश इज्जतनगर थाना पुलिस ने शिक्षिका शालिनी जौहरी और ज्वेल मैसी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक विद्यालय प्रबंधन के ऊपर कुछ माता पिताओं के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि 2-3 दिन पहले उनके जो बच्चे थे वो परीक्षा देने स्कूल में गए थे और वहाँ पे उनके जो बच्चे थे उनको बंधक बनाकर उनको वहाँ से छोड़ा नहीं गया था, और जब वो मौके पे पहुँचे तो उनसे वहाँ पे मतलब अभद्रता की गई। इस प्रकरण में मुकदमा थाना इज्जत नगर में पंजीकृत किया गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का जो आरोप है कि कुछ फीस बकाया थी और इस वजह से उन्होंने उनके माता पिता को स्कूल में बुलाया था और इस वजह से बच्चों को सेग्रीगेट किया था, तो जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं सबकी गहनता से इसमें जाँच की जा रही है। और एक तरफ से जो माता पिता है उनकी तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और उसमें जो भी CCTV फुटेजेज वहाँ पर लिए जाएंगे और जो भी वहाँ पर पूछताछ की जाएगी उसके आधार पर जो भी साक्ष्य एकत्र होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप माता पिता ने लगाया है और सारे वहाँ पर एविडेंसेज इकट्ठा किए जाएंगे, CCTV फुटेज एकत्र की जाएंगे और उसके आधार पर इसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी।